शाहपुर नगर पंचायत के गठन के बाद क्षेत्र के 68 गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इन परिवारों को जल्द ही शौचालय सहित पक्की छत मिलेगी। नगर पंचायत शाहपुर इन 68 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान निर्माण को स्वीकृति दे दी है। प्रत्येक चयनित परिवार को शौचालय सहित मकान निर्माण के लिए 1,97,000 की राशि दी जाएगी। एक साथ 68 परिवारों को पक्के मकान निर्माण की स्वीकृति मिलना नगर पंचायत शाहपुर की एक बड़ी उपलब्धि है। स्वीकृत मकानों का नियमों के तहत जल्द निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। यहां आपको बता दें कि शाहपुर नगर पंचायत का हाल ही में गठन हुआ था तथा चुनाव के बाद जिस दिन नए पार्षद व अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने पदभार संभाला था उसी दिन शिमला व धर्मशाला से प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम ने शाहपुर पहुंचकर इस पर विस्तृत जानकारी ली थी। नगर पंचायत शाहपुर के उपाध्यक्ष विजय गुलेरिया ने बताया कि कच्चे मकानों में रह रहे 68 परिवारों को नए मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनकी स्वीकृति आ गई है। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत नई है तथा जिस समय इन मकानों की स्वीकृति के लिए आवेदन भेजे थे उस समय ना तो स्टाफ था और ना ही समय बचा था, लेकिन फिर भी उन्होंने व पार्षदों ने खुद टीम के साथ लोगों के घर घर जाकर तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आवेदन भेजे थे, जिन्हें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के आदेशों के बाद स्वीकृति मिल गई है। आपका नाम? नमस्कार, मैं विजय गुलेरिया, वाइस चेयरमैन नगर पंचायत शाहपुर। शाहपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन लोगों को उनका आशियाना जो है मिल चुका है? जी मैम, जो भी हमारे जो शाहपुर नगर पंचायत में जो भी कच्चे मकान थे लोगों के, जो क्षतिग्रस्त थे और जो कच्चे मकान थे, उनके लिए जो हमने एक सर्वे करवाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ, और उसमें जो है हमें खुशी है कि 66 मकान जो है उनकी मंजूरी दी गई गवर्नमेंट द्वारा। और हमारा ये लक्ष्य है जो बचे हैं, जो इसमें से कुछ मकान जो छूट चुके हैं उनको भी हमारा द्वारा सर्वे करवा के उनको ही मंजूरी दिलाई जाएगी। आगे का क्या प्लान है और आगे कैसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ जो है वो पहुंचाना है, इसके लिए आपको क्या कार्य कर रहे हैं? मैम, जो जो स्कीम्स आती हैं, जो जो भी जैसे सेंटर की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनको हम घर घर लोगों तक पहुंचाते हैं। और क्या एजेंडा रहता है, कैसे पहुँचाते हैं? मैम, हमारा तो जैसे बार बार जो भी है सभी पार्षदों जो अपनी ड्यूटी समझ के जो है लोगों के घर जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं जो ये स्कीम है, आप इस चीज़ का लाभ लें। और मतलब इसमें हम कोई पार्शलिटी नहीं, हमारी तरफ से जो भी इसका डिजर्विंग वह है उसको मिलेगा। आपका